बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम आई हुई लखनऊ शहर में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 महाकवरेज अभियान के अंतर्गत आज हमारे साथ हैं नदीम अशरफ जायसी जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी भी हैं और वर्तमान में वो 174 मध्य विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आइए आज उन्हीं से उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार, आपका बैलेट बॉक्स इंडिया पर हार्दिक स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और मुझे भी अपनी बात रखने का मौका आपके माध्यम से मिला। हमारा आपसे पहला प्रश्न है, आप अपने बारे में बताएं, शिक्षा अनुभव जीवनी और राजनीतिक परिवार क्षेत्र में आपका आगमन कैसे हुआ? 1980 में मैं लखनऊ आया ग्रेजुएशन करने के लिए। मुमताज डिग्री कॉलेज जो आज डालीगंज में है उत्तर विधानसभा में, उस समय ये मध्य विधानसभा के अमीनाबाद में होता था। पहला चुनाव 80-81 में मैं सचिव चुनाव जीत करके बना और 81-82 में सबसे बड़ा पद महासचिव को होता था, अध्यक्ष नहीं होता था। उस समय तक मैं महासचिव चुना गया और पूरी कैबिनेट के साथ 8 लोगों की मैंने चुनाव लड़ा था और मैंने ये वादा किया था, अनाउंस किया था कॉलेज के अंदर कि अगर एक भी इनमें से हार जाएगा तो मैं स्वयं इस्तीफा दे दूंगा, और सारे हमारा पूरा पैनल जीता था। मेरे राजनीतिक चुनावी जीवन की शुरुआत इसी मध्य विधानसभा से हुई थी और आज 2023 में मैं आम आदमी पार्टी से यहाँ विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय मुख्य कैंपस से, चूंकि तब कॉलेजों में नहीं होता था, इसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन था, वहाँ से मैंने 84 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं सक्रिय राजनीति में अमेठी में आ गया, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ जायज का। मैं चाहे जैसा भी हूँ लेकिन मेरा परिवार संतों का, खानकाहों का परिवार था। मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम पूरे विश्व में जाना जाता है, हम उनके गुरु परिवार से, हमारे ही परिवार से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की सूफीज्म की और उन्होंने पद्मावत की रचना की, जो पहला काव्य ग्रंथ है हिंदी का देवनागरी में जो उन्होंने लिखा, और उसकी शुरुआत में ही उन्होंने ईश्वर की स्तुति की। और साथ में हमारे जो स्वर्ग के गुरु साहब मुबारक अशरफ, जो सब जिनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी, उनके बारे में कहा कि सैयद अशरफ पीर पियारा जय मुहिद्दीन पंथू जियारा। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान भी जायस था, लेकिन अपने गुरु धर्म गुरु की वजह से उन्होंने लिखा है कि जायस नगर धर्म स्थानू जहां आए कब कीन बखानू, उसको उन्होंने धर्म स्थान ही माना, अपने गुरु का इतना सम्मान करते थे। मैं उस परिवार से हूँ, मेरे यहाँ कोई राजनीति में नहीं था, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो राजनीति में आया। राजनीति में लोग कहते हैं कि खारे खराब लोग होते हैं, अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है। मैं राजनीति में हूँ, लगातार हूँ। मैं उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस का 2001 से 2007 तक प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और अंतिम अध्यक्ष रहा हूँ, इसलिए उसके बाद 4 हिस्सों में बांट दी गई तो मैं अंतिम था। और सबसे लंबा कार्यकाल मेरा था 1952 से, जब से युवा कांग्रेस का गठन हुआ, मैं सबसे लंबे कार्यकाल तक यहाँ का अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने समझौते कभी नहीं लिए ये कार्यकर्ताओं के लिए, और मैंने 2007 में अध्यक्ष रहते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया और बिना शर्त बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, क्योंकि मैं माननीय काशीराम से बहुत प्रभावित था, हूँ और रहूंगा। मैं उस पार्टी में गया, बिना शर्त गया था, मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। मैंने 5 वर्ष काम किया, मुझे न सिर्फ ये टिकट दिया गया 2012 में, बल्कि लोग बहुत आश्चर्य से सुनते हैं, मैं बताता हूँ कि मुझे पैसा भी पार्टी ने दिया था चुनाव लड़ने के लिए, बीएसपी ने, और
2019 कम्युनिस्ट थी, मैं हारा, लेकिन बहुत सम्मानजनक ढंग से, जबकि मेरे खिलाफ प्रियंका गांधी जी स्वयं प्रचार करने आई थी, जबकि उससे पहले गांधी परिवार का रिकॉर्ड नहीं था कि अमेठी में कभी भी वो विधानसभा में प्रचार करने के लिए नहीं आते थे। और उसके बाद मान्यवर काशीराम, मैं उसके बाद भी चार वर्ष तक सरकार जाने के बाद भी रहा, लेकिन मुझे लगा मान्यवर काशीराम जी के जाने के बाद अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई ये पार्टी, जिसको उन्होंने अपने खून पसीने से अपना पूरा जीवन त्याग करके जिस पार्टी को जिस मिशन खड़ा किया था उसको नेतृत्व ने खत्म कर दिया। सारे सपने दलितों के, अल्पसंख्यकों के, कमजोर तबके के धराशायी हो गए। मैं परेशान था, मैं करूं क्या। 23 फरवरी 2020 को मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता इसी लखनऊ में संजय सिंह जी जो सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं उनके समक्ष यहाँ ही लखनऊ में जी बिना शर्त ही मैं वहाँ भी आया। मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त कहते थे कि आप मूर्ख हैं, अभी तो तय भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, इसका कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन मैं नहीं माना, मैंने कहा मैं अपने अंतिम कार्यकाल में राजनीति के मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी जो मेरा मिशन है उस पार्टी के साथ मैं कार्य करूँ और जो होगा देखा जाएगा। आज वही लोग मेरी तारीफ करते हैं कि मैंने बहुत समझदारी से काम किया, अगर ये सपना चूर हो जाता तो मुझे मूर्ख कह दे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी अपने पैरों पर खड़ी दिखाई पड़ती है। मैं 174 मध्य विधानसभा से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे पूरे प्रदेश में जाना था लेकिन चुनाव लड़ने के कारण मैं नहीं जा सका। आज यहाँ जो मुझे सम्मान और प्यार जनता से मिल रहा है यही मेरी कमाई है और इसी के सहारे में डट करके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। महाराज अगला प्रश्न है, आप आखिरकार चुनाव और राजनीति में क्यों आए, आप और लोगों के तरीके कोई नौकरी व्यवसाय या रोजगार भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कहते हैं, मैंने व्यवसाय कराए हैं लोगों को, मैं उन व्यवसायों में कहीं मैं पार्टनर नहीं बना हूँ। मेरे भाई, मेरे मित्र, रिश्ते के सैकड़ों हैं जिनको मैंने व्यवसाय में आगे बढ़ाने में मैंने उनका भी योगदान किया, मैं किसी में हिस्सेदार नहीं हूँ। मुझे संतुष्टि मिलती है समाज सेवा करके, जरूरतमंदों की मदद करके। मैं जिस परिवार से हूँ, संतों का परिवार है, अभी भी हमारे पिताजी कहते थे जो स्वयं गतिधर थे, कहते थे बेटा अगर कोई जरूरतमंद आपके घर पे आए, कोई अपनी जरूरत लेके तो जरूरत पूरी कर सकते हो तो खुद करो, उसका नाम पूछना भी पाप है, धर्म जात तो बहुत दूर की बात है। हमको आम आदमी पार्टी वैसे ही लगी, आज यहाँ धर्म जात बिरादरी मंदिर मस्जिद नारे तकबीर अल्लाह अकबर जय श्री राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, कोई बिजली की बात नहीं कर रहा है, कोई सड़क की बात नहीं कर रहा है, कोई स्कूल की बात नहीं कर रहा है, कोई अस्पताल की बात नहीं कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा है। और जब हम उन मुद्दों पर वोट ही नहीं डालते हैं तो हमारा अधिकार भी नहीं बनता है कि हम इन नेताओं से पूछें। हम जब 300 यूनिट बिजली फ्री करने का अनाउंसमेंट किया अरविंद केजरीवाल जी ने, यहाँ पर 1000 रुपये महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि की बात की, 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता पढ़े लिखे युवाओं को जब तक कि उनको नौकरी न दे दें अनाउंसमेंट किया, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, फ्री अच्छे स्कूल, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं। तो नेताओं ने दूसरी पार्टियों के भाजपा सपा कांग्रेस ने कहा कि मुफ्तखोरी की आदत डलवा रहे हैं। मेरा सवाल उसे है कि क्या ये मुफ्तखोरी सिर्फ नेताओं और अधिकारियों के लिए है, ये हमारा पैसा है, उनके बाप की जागीर नहीं है, उनकी पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे आम जनता के टैक्स से इकट्ठा हुआ पैसा है। पूरे विश्व में जाओ, बहुत विकसित देश हो, चाहे USA हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, वहाँ भी अपने आगे कमजोर तबके की मदद सरकारें करती हैं, शिक्षा में उनको बेरोजगारी भत्ता देती हैं, उनका स्वास्थ्य सेवाएं फ्री होती हैं। इसलिए जो कमजोर होता है माता पिता की तरह सरकार होती है, उनकी रक्षा करना, उनको आगे बढ़ाना, मुख्य धारा में जोड़ना और उस दौड़ में विकास के शामिल करना, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। आज यहाँ उन्माद की राजनीति हो रही है, इससे देश पिछड़ता है, लोग जब पिछड़ते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी, कोई कहता है 5% बिरादरी हमारी हम मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई कहता है 11% बिरादरी है, कोई कहता है 17% बिरादरी हमारी है हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की बिरादरी से बड़ी किसी की बिरादरी नहीं है, हमारी बिरादरी 70% की है। और वो 70% लोग वो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनको 300 यूनिट बिजली से फर्क पड़ता है, जिनको 1000 रुपये महिला को सम्मान राशि से फर्क पड़ता है, जिनको उच्च क्वालिटी की शिक्षा फ्री में मिलने से फर्क पड़ता है, जिनको स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में मिलने से फर्क पड़ता है, जिनको भ्रष्टाचार समाप्त होने से। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक गरीब परिवार अगर 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाए तो 1600-1700 रुपये उसका बचेगा, उस 1600-1700 रुपये में वो अपने बच्चे के लिए नए जूते खरीद सकता है,
अपनी बहन और अपनी बीवी के लिए एक जोड़ा कपड़ा खरीद सकता है, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए आंख टेस्ट करा के चश्मा लगवा सकता है और ये हर महीने बचेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 70% लोगों के पास आज जीविका चलाना मुश्किल हो गया है। और मेरी निवेदन है कि जो 30% बड़े लोग हैं वो मेरे दुश्मन नहीं है। मैं उनको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब 70% के पास पैसा नहीं होगा तो तुम्हारी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। सरकार तो सिर्फ दो बड़े धन्ना सेठों की मदद कर रही है। आज छोटे कारोबारी जो मोहल्लों में दुकान चलाते हैं मार्केट में, उनके यहाँ मक्खियां मारते हैं दिन भर। क्यों? इसलिए 70% के पास 1500 रुपए भी नहीं है कोई चीज खरीद सके। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को वो भी समर्थन करें। जब इस 70% के पास 5-7 हजार रुपए महीने बचेगा तभी वो भी जीवित रहेंगे, बड़े आदमी बने रहेंगे। तो वो मंदिर मस्जिद धर्म जात बिरादरी नारे तकबीर अल्लाह अकबर जय श्री राम इनसे अब आगे बढ़े। स्कूल की बात हो, बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा न पकाए, उनके हाथ में किताब होनी चाहिए। उच्च शिक्षा का अधिकार सिर्फ बड़े लोगों को नहीं है, प्राइवेट स्कूलों को है, ये गरीबों का भी अधिकार है, उनको भी मिलना चाहिए और सरकार को देना चाहिए, जैसे कि हमने दिल्ली में किया। आज वहाँ के प्राइवेट स्कूल जहाँ 50-60 हजार रुपए फीस है उससे अच्छा रिजल्ट हम सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं। वो टॉयलेट जहाँ पे कोई आदमी जा नहीं बच्चा जा नहीं सकता था आज वो मॉल के टॉयलेट की तरह से हैं। वो क्लासेस जहाँ मछली जाने लगे रहते थे टाट पे बैठकर बच्चे पढ़ते थे आज वहाँ मेज कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हैं। और एयर कंडीशन है, स्पोर्ट्स टर्फ बनी हुई है। आज रिजल्ट वहाँ का आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइवेट स्कूलों से अच्छा रिजल्ट दिया है, मेडिकल में भी इंजीनियरिंग में भी और 12th और हाई स्कूल के परीक्षा में भी। ये कल्पना कीजिए, एक उन्माद से जर्मनी में 100 साल पहले एक व्यक्ति उन्मादी पैदा हुआ था जिसने धर्म और जात के नाम पर उन्माद किया था, लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में डलवा करके उनकी हत्या करवा दी थी और उसका नतीजा 100 साल से जर्मनी भुगत रहा है। आ रहे हैं वो लोग और सबसे बुद्धिमान कहलाते हैं पूरे विश्व में, लेकिन 100 साल से पनप नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक आदमी उन्मादी व्यक्ति जो धर्म और जात के नाम पर जिसने उन्माद फैलाया उसको दो टुकड़े करवा दिया। आज जोड़ा भी है तो संघर्ष कर रहा है विकास के, बहुत पीछे है बहुत से देशों से। हमारा सबसे निवेदन है कि उन्माद से देश का भला नहीं होता, देश का भला होगा। 200 यूनिट बिजली फ्री से दिल्ली में हम दे रहे हैं, उसमें जात बिरादरी धर्म नहीं देखा जाता, जो गरीब है दिया जाए। नकल की है हमारी, उत्तर प्रदेश में जब हमने ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे आपको, हमारा मैनिफेस्टो में भी दे दूंगा आप देखिएगा, उसमें क्लियर कर लिखा है 300 यूनिट बिजली मुफ्त। और समाजवादी पार्टी का भी उठा लीजिए, हमारी नकल करते हैं लेकिन नकल के लिए दिल होना चाहिए, नियत होना चाहिए। उन्होंने लिखा है 300 यूनिट गरीबों को बिजली मुफ्त, गरीबी का सर्टिफिकेट बनवाने में 4.5 साल में गरीब आंक जाएगा, 10-20 हजार रुपए और लग जाएंगे, वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएगा। हमने ये लिखा है कि अगर 300 यूनिट तक बिजली का बिल आता है तो हम उसको गरीब मानते हैं, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसका 0 जो बिजली का बिल आएगा। इस तरह नियत से काम होता है। इन पार्टियों का घोषणा पत्र 17 को उठाइए जिनकी सरकार बनी है, 12 में जिनकी सरकार बनी थी उनका घोषणा पत्र उठाइए, 7 में जिनकी सरकार बनी थी उनका घोषणा पत्र उठाइए, उससे पहले कांग्रेस सरकारें थी, 95% घोषणाएं कूड़ेदान में डाल दी जाती है और सिर्फ बड़े लोगों की सेठों की बड़े पूंजीपतियों के बड़े नेताओं की जेब भरने का काम या अधिकारियों की जेब भरने का काम करती है। हमारे यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी अधिकारियों को तनख्वाह के अंदर जीवन जीने का मजबूर कर दिया है। हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, लोग कहते हैं कैसे आएंगे, कमजोर हैं नए हैं, यहाँ जातवाद बहुत धर्मवाद दिल्ली में इससे ज्यादा था, ये दक्षिण भारतीय हैं, ये पंजाबी हैं, ये बिहारी हैं, ये पूर्वांचल के हैं, झगड़े थे सब में बटे हुए थे, पंजाबी कहता था कोई ज्यादा भाजपा का वोट है, पूर्वांचल वाला कांग्रेस का है। आज जाके देखिए सबको सुपड़ा साफ कर दिया है, न्यू मार करके भाजपा को अरविंद केजरीवाल जी ने बाहर फेंक दिया दिल्ली के। और एक बार नहीं 3 बार 2020 में जब फरवरी में चुनाव हुआ है अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के बीच में आए कहा कि भाइयों बहनों अगर हमने काम किया हो तो वोट देना वरना मुझे वोट मत देना। ये विश्व रिकॉर्ड है किसी नेता ने आज तक इस तरह से वोट नहीं मांगा है। हम काम करते हैं और कोई भी पत्रकार कोई भी मैगजीन कोई भी न्यूज चैनल कोई भी स्वयंभू जो दिमागदार लोग हैं हमको पहले चुनाव 2013 में कहते थे कि 4-5% वोट पा जाएंगे 0 सीटें रहेंगी। पहली बार उन्होंने सरकार बनाई, बाहर से समर्थन कांग्रेस ने दिया और ठेके पट्टी मांगने लगे, मलाईदार पद मांगने लगे। अरविंद जी ने सरकार चलाने से उचित समझा के खड़े होकर के इस्तीफा दे दिया, कहा मैं जिन लोगों के वोट से जीत कर आया हूँ उनके साथ मैं नहीं कर सकता हूँ, चाहे सरकार चले चाहे चले। उसका नतीजा हुआ 2015 में जब दोबारा वो गए तो 28 सीट से
67 सीटों में पहुंचे, ये भी रिकॉर्ड है। 70 में 67 सीटें जीत करके आए, तो तीसरी बार भी हम लोग जीत करके आए हैं, क्योंकि हम उन पर ध्यान देते हैं जो जरूरतमंद है। 70% लोगों पे हम उनका काम करते हैं। आज दिल्ली में 70% लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है, उसके बाद हम नफे में हैं। यहाँ 100% लोग बिजली का बिल दे रहे हैं, वहां से दोगुना दे रहे हैं, तब भी 40% घाटे पे चल रहा है। ये बेईमानी है, घाटा नहीं है, ये बड़े पूंजीपतियों, बड़े अधिकारियों, बड़े नेताओं की मिलीभगत है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति करने आए हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं आवेश में आके मैं अपने मन की बात करने लगा, लंबा हो गया होगा, लेकिन मुझे अपनी बात कहना जरूरी था। मैं आपके माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारा आपसे इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न था कि आपके मुताबिक आपके शहर या आपकी विधानसभा की प्रमुख पांच समस्या क्या है, अगर आपको मौका मिलता तो आप उस पर काम करें। मैं, मेरी टीम पिछले 6 महीनों में 5 बार घर घर जा चुकी है। एक बार मैं स्वयं और हमारी टीमें अभी भी जा रही हैं, अंतिम दिन तक जाती रहेंगी। 18 झोपड़पट्टियां हैं हमारे मध्य विधानसभा में। उत्तर प्रदेश का हृदय लखनऊ, लखनऊ का हृदय मध्य विधानसभा, उसमें 18 झोपड़पट्टियां, आप कल्पना कर सकते हैं। अभी चले जाइएगा, मात्र मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर की दूरी पर बहुखंडीय मंत्री आवास से, आपने देखा होगा, उसके सामने एक बस्ती है, लगभग 600 लोग रहते हैं, बिजली नहीं लगी हुई। मुझे लगा, मैं कहा कि मैं किसी आदिवासी क्षेत्र में आ गया हूँ। ये मुख्यमंत्री के नाक नीचे हाल है। 18 बस्तियां हैं, विक्रमादित्य वार्ड कहलाता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीछे बस्ती है, उधर पीसीसी के कैंपस है, इधर हैदर कैनाल है। मिसमैनेजमेंट, पैसा खा जाने की वजह से अभी इसी वर्ष अक्टूबर में जो बारिश बहुत तेज हो गई थी, पूरा नाला उफन गया। गरीबों के घर हैं, कोई 400 स्क्वायर फीट में, कोई 250 स्क्वायर फीट में पूरा परिवार रहता है। 6-6 फीट पानी घरों में भर गया। दसियों साल की मेहनत से जो उन्होंने गृहस्थी इकट्ठा की थी, सब बर्बाद हो गई है। हमारी टीम में अनंत बारी है, कार्यवाहक अध्यक्ष है, इतने इतने पानी, वीडियो पड़े हुए हैं फेसबुक, इतने इतने पानी में घुस के 3 दिन हमारी टीम ने घर घर डबल रोटी, मक्खन, चाय, दूध, बिस्किट ये पहुंचाया। जब पानी उतर गया, हमने सैनिटाइजेशन कराया। मैं स्वयं जाकर के उन लोगों के बीच में मैंने तहरी खाई, जब तक कि वो अपने घर को सुधार नहीं लिया उन्होंने कि खाना बनाने लायक हो जाए, जब तक हम लोगों ने उनकी मदद की। ये लखनऊ की बात कर रहा हूँ, आप बांस मंडी में चले जाइए, डालीगंज में, मशकगंज वार्ड में जाके देख लीजिए, जानवर भी इससे अच्छे ढंग से रखते हैं। जहाँ पे 3,000 की आबादी वहां पे रह रही, जहाँ नालियां बच जाती हैं। हमने पूरे बरसात के बाद 2 महीने तक फॉगिंग कराई है अपने पैसों से, अपनी मशीनें खरीद के मंगवा करके। हमारे पास इतने संसाधन में नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, जो मेरी मदद करते थे, और मेरी टीम ने एक एक वार्ड में 3-3 बार फॉगिंग कराई है। जहाँ जरूरत होती थी, जहाँ डिमांड होती थी, वहाँ हमने किया है। हमने गारंटी कार्ड बनवाए एक एक वार्ड में, हमने एक एक जगह मेंबरशिप चलवाई है। हम गए एक दो बता नहीं, आप चले जाइए ऐशबाग वार्ड में, चले जाइए आप कुंडी रकाबगंज वार्ड में, चले जाइए आप सुभाष चंद्र बोस वार्ड में, चले आप राजा बाजार की जनता नगरी में चले जाइए, जहाँ पानी और सीवर लाइन मिल गई है, जब पेयजल की, इतना बदबूदार पानी कि लोग बर्तन और कपड़ा भी नहीं धो सकते, उसको पी कैसे सकते थे। आप सोच सकते हैं कि लखनऊ के अंदर और मध्य विधानसभा के अंदर ऐसी बालू के अड्डे पे यही सीवर पानी मिल जाने से वह बच्चों ने पानी पिया, और 3 बच्चों की, जो हो सकता है कि बड़े होकर के अपने बुढ़ापे का सहारा बनते अपने बाप के, हो सकता है कि बड़े अधिकारी बनते, वो अकाल मौत के मुंह में चले गए सिर्फ अव्यवस्था की वजह से। जब हम लोगों ने जाकर के वहां धरना दिया है, तब वहां पे स्वच्छ पेयजल के तार पानी के टैंकर आए हैं। लखनऊ में 18 झोपड़पट्टियां हैं, एक एक वार्ड पे गिनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे प्राथमिकता हमारी है उनके लिए काम करना, नंबर एक पर है। फिर यहाँ की सड़कें आप देख रहे हैं, यहाँ सड़क बनती चुकी, सड़कों पे कमीशन 80% है, उसमें ठेकेदार का नफा, सरकार के अधिकारियों का, विधायक का, कारपोरेटर का, सब नफा मिलाने के बाद 20% में काम होता है। वो जानते हैं कि अभी तो 6 महीने बाद वो खड़ जाएगा, ये पकड़े जाएंगे सब, तो करते क्या है, जैसे ही वो उस कारपेटिंग होती है, कोई विभाग सड़क काटने पहुंच जाता है, कोई बिजली विभाग, कोई केबल विभाग, क्योंकि इसको पकड़ा भी नहीं जा सके कि सड़क खराब थी। फीवर लाइन आप देख लीजिए, ये नए सीवर लाइन का आपने सुना होगा, सब डाले जा रहे हैं, किया जा रहा है, उसके चैम्बर ब्रिटिश पीरियड के थे, आज भी नहीं टूटे थे, उसको सब बेच दिया इन लोगों ने, और अब जो चैम्बर के ढक्कन डाले हैं, गाड़ी गुजरती है टूट जाती है। ऐसे काम होगा, हमारा पैसा है, आवाम का पैसा है, किसी की बबौती नहीं है, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। विधानसभा चलने नहीं दी जाएगी अगर उन लोगों का काम नहीं करेगा। बिजली 24 घंटे देना है,
300 यूनिट बिजली फ्री देना है। प्राइमरी जितने भी प्राइमरी और मिडिल हाई स्कूल थे नगर निगम के सब बंद हो गए, आधे तो बेच दिए बिल्डरों को, इन्होंने सबका हिसाब देना पड़ेगा इनको, इसलिए इनका पैसा नहीं था। मैं सबका एक एक चीज का हिसाब लेने के लिए मैं विधानसभा पहुंच रहा हूं और इनको जवाब दूंगा, इनको बताऊंगा कि तुम जो कर रहे हो, जिसका हक खा रहे हो, उसकी हाय बहुत खतरनाक होती है, इसी दुनिया में तुमको सजा मिलेगी, आगे जो कुछ होना होगा होगा, मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा, जनता मेरे साथ है। आपसे अंतिम प्रश्न है, आप आम जनमानस से क्या अपेक्षा रखते हैं? मुझे पूरे भरोसा है, मेरे पास 70% मेरी बिरादरी है जो जरूरतमंद लोगों की है और वो एकजुट है, यहाँ पर एकजुट है, एक साथ मेरे साथ खड़े हुए हैं, उसमें यही एक मेरी बिरादरी है और एक ही यही दो बिरादरी होती है, एक अमीरों की बिरादरी होती है, एक जरूरतमंदों की बिरादरी होती है। मैं अमीरों से वोट बहुत कम डालते हैं, उनके लिए 300 यूनिट बिजली से भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, उनको कोई लाभ नहीं होना है, फ्री स्वास्थ्य सेवाओं से भी नहीं, सरकारी स्कूलों से भी अच्छे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि अगर ये 70% लोग अगर अपनी आजीविका नहीं चला सकते तो तुम अमीर नहीं रह सकते हो, तो वो लोग भी हमारे सपोर्ट करें, जितने भी लोग वोट डालें उनको वोट डालें ताकि इस व्यवस्था को बदला जाए, राजनीति किया न जाए, राजनीति को बदला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पहले डॉक्टर जी आपको समय देने के लिए, आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।